दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। मैं ARK बाथ फिटिंग से हूँ, क्वालिटी डिपार्टमेंट से। तो मैं आज दोस्तों आपके साथ फ्लश वाल के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। जैसे आपको प्रॉब्लम आती है, लीकेज की प्रॉब्लम आती है, या कंटिन्यू फ्लो की प्रॉब्लम आती है, या इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ये हमारा ARK का फ्लश वाल है, जैसे 1.5 इंची। ये कंसील्ड फ्लश वाल है, जिसको हम एक बार पुश करने से 8 से 10 लीटर पानी डिस्चार्ज कर सकते हैं। फ्लश वाल में जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, उनका क्या कारण होता है और क्या रीजन उसमें रहेगा, और हम उसके लिए क्या उसका सलूशन निकालेंगे, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे प्रैक्टिकली। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने फ्लश वाल को लाइन से कनेक्ट कर लिया है। हमने फ्लश वाल बटन को जैसे पुश किया, तो अभी हम इसमें अब देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो इससे काफ़ी पानी की वेस्टेज होगी, और इसका जैसे ऑटो क्लोज 4-5 सेकेंड में हो जाना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, कंटिन्यू वाटर फ्लो कर रहा है। तो इसके बाद हम आप इसके पुश बटन को ओपन कर लेंगे। स्पैंडल के ऊपर क्लिपर लॉक लगा, वाशर लगी हुई है, वो हम निकाल लेंगे, वो हमने निकाल दिया है। इसके बाद जैसे इसका जो ऐसे स्प्रिंग फॉर स्पैंडल वाला है, वो भी बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको बॉक्स टूल की सहायता से, क्योंकि इसमें बॉक्स टूल आसान रहता है लगाने के लिए, तो हमें यही यूज़ करना चाहिए, इसकी सहायता से हम इसको ओपन कर लेंगे बड़ी आसानी से। अब हम असेंबली को अपनी ओर खींच के निकाल लेंगे, और अब ये आप देख रहे हो असेंबली आपके सामने है। तो अब हम इसको पूरा खोलेंगे। जैसे आप बॉडी में देख रहे हो, बॉडी में अभी हमारे पास पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है, और बॉडी में जो ओरिंग लगी होती है वो भी है, दिखाई दे रही है। अब हम इसमें असेंबली को डिसमेंडल करेंगे, और ये हमने निकाल लिया इसको। इसके बाद हम इसमें जो क्लिपर लगा है, उसको सुई की सहायता से इसको हम ओपन करेंगे सिलेंडर को। और जैसे हम इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हम इसमें अंदर देखेंगे, शायद कोई कचरा फंसा हुआ हो या फिर कुछ और इसमें प्रॉब्लम हो, तो ये खोलने के बाद ही पता लगेगा हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने इसको अब ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमने इसको ओपन किया, इसकी वाशर निकाल ली है, और आप जो इसमें आप रिबन टाइप का देख रहे हो, तो हमें अब इसके नीचे जो वैक्यूम होता है, तो जैसे कंटिन्यू फ्लो दे रहा था, तो शायद हमें लगा कि ये कहीं ब्लॉकेज ना हो, तो ये देखिए आपके सामने वही हुआ, वैक्यूम हमारा बिल्कुल बंद पड़ा है, जिस कारण से पुश बटन एक बार दबाने पे कंटिन्यू वाटर फ्लो हो रहा था, तो इसका यही रीजन है। अब हम इसको किसी पिन की सहायता से बड़ी आसानी से सही कर लेंगे, और इसको साफ करके, ये इसका जो वैक्यूम था वो बिल्कुल बंद था, तो अब हमने इसका बिल्कुल सही कर दिया है, इसको खोल दिया है, और अब हम इसको फिर से दोबारा से असेंबल करेंगे बड़ी आसानी से। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने असेंबली फिर से वैसे ही असेंबल कर लिया है, और हम दोबारा इसको फिट करने जा रहे हैं। और हमने इसको बॉडी में फिट कर दिया है, इसके बाद हम उसी उसको टूल बॉक्स की सहायता से हम इसको फिट कर दिया है, और अब इसके बाद हम इसमें जो स्पैंडल स्प्रिंग है, लॉक है, क्लिपर लॉक, वो हम इसमें लगा देंगे। ये हमने इसमें क्लिपर लॉक लगा दिया है, और ये इस प्रकार से हम अब इसमें पुश बटन स्लीव लगा कर इसको फिर से एक बार चेक करेंगे। हमने इसकी प्रॉपर फिटिंग कर ली है, अब हम इसको पुश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा पीस बिल्कुल ऑटो क्लोज सही हो गया है। इस प्रकार से प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने दूसरा पीस को लगाया है, और इसमें ये हमारा बोनेट से लीक आ रहा है, तो अब हम इसको पूरा खोल के देखेंगे ये बोनेट से लीक क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है, और इसके बारे में भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे। फिर से इसको एक बार पुश करके देखेंगे, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है हमारा बोनेट से लीक आ रहा है, ये बोनेट लीकेज है। अब हम इसको पिन या सुई की सहायता से इसके क्लिप को बाहर निकाल लेंगे, SS स्प्रिंग को टूल की सहायता से इसकी असेंबली को निकाल लेंगे, और इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे। ये हमने इसका बोनेट बाहर निकाल लिया है, बोनेट में जो आप वाशर देख रहे हो, वो रिंग देख रहे हो, हमने जैसे इसको निकाला, तो ये हमारी जो वाशर है वो बिल्कुल कटी हुई है, डैमेज है। अब हम इसको चेंज कर लेंगे, ब्रेक हुई है, जो हमारे पास स्पेयर में बिल्कुल अवेलेबल भी होती है, हमने इसको चेंज कर दिया है बड़ी आसानी से। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, वाटर लीकेज हो रहा था, बट सोल्यूशन इसका छोटा सा निकला। हम इसको फिर से अच्छे से टाइट कर लेंगे, प्रॉपर टाइट करके
फिर से हम इसको स्पैंडल रॉड में लगा देंगे और दोबारा से इसको पूरी प्रॉपर फिट फिटिंग करके टूल की सहायता से पूरा टाइट करके स्प्रिंग एसेस क्लिप बिथ लगाकर प्रॉपर तरीके से सेम उसी पोजीशन पे इसके बटन को ऊपर से हम स्लीव बटन को टाइट कर देंगे और हम फिर से इसको अब यूज़ करके देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है। जैसा कि आप पहले देख रहे थे लीकेज आ रहा था, अब बिल्कुल पीस सही हो गया है। इस टाइप से हमारी ये भी प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी हमने एक और पीस लगाया है तो इसमें हमारे पास कंटिन्यू लीकेज की प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम इसमें भी कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, तो हम इसको भी खोल के देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या उसका रीज़न है और क्या हमें उसके बारे में एक्शन लेना है। वाटर क्लोज कर लिया है और अब हम इसकी स्लीव को खोल लेंगे। इसी प्रकार से हम इसको फिर से वही पिन की सहायता से सुई की सहायता से निकाल लेंगे इसके क्लिप को और प्रॉपर तरीके से इसको पूरी अनसेंबल करेंगे, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट सोल्यूशन इसका बहुत छोटा होता है। हमें यही लगता है कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो वो सब हम अभी आपको करके दिखाएंगे। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर से इसकी असेंबली को बाहर निकालेंगे विद बोनेट। और जैसे हम देख रहे हैं अभी इसकी वाशर कटी है आपके सामने है, जो इसकी ओरिंग है चाली ओरिंग, तो ये बिल्कुल कटी है, तो हमें ये दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी हम ये ओरिंग बदल देते हैं इसकी, ये हमने चेंज कर दी है और हमने फिर से पार्ट को असेंबल कर लिया है और फिर इसको प्रॉपर तरीके से फिट करने के बाद अच्छे से टाइट कर लेना है। इसमें हमने SS स्क्रू विद लॉक फिट कर दिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव पुश बटन लगा दिया है और अब हम इसको पुश करेंगे। इसका जो हमने पानी को क्लोज किया था उसको ऑन कर लेंगे और अब हम इसको पुश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारी जो लीकेज की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सही हो गई है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, सोल्यूशन बहुत छोटा था, बिल्कुल सही हो गया पीस।